नीचे मधुगंगा नदी में बहुत मटमैला पानी आ रहा है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारी लकड़ियां वगैरह आई हैं बह के। अच्छी बात है कि गांव की महिलाएं इन कामों में बहुत आगे हैं। ये माहौल दिखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही खतरनाक भी होता है। भारत माता की। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो सामने का माहौल आज कुछ ऐसा है, बादल लगे हैं पहाड़ों पे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जा रही है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। देहरादून से कल घर आने के बाद अब मुझे दूसरी ट्रिप की तैयारी भी करनी है। फटाफट से कपड़े वगैरह धोने हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम पूरा निपटाना है। बाकी पहाड़ों पर लगातार कोहरा लगा हुआ है और इन हरे हरे खेतों के बीच में आजकल खूब सारे बंदर आते हैं इन पहाड़ों में। तो गाँव में चार परिवारों की ड्यूटी पर डे लगी रहती है बंदरों को भगाने की। और बाकी आज गाँव के जो रास्ते हैं उनमें गाँव की महिलाओं के द्वारा श्रम दान किया जा रहा है, सफाई वगैरह की जा रही है। आजकल देखिए पहाड़ कितने खूबसूरत से दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हरे भरे से, और इन पर जो कोहरा लगा है वो तो गजब का माहौल बना देता है ऐसे में। लेकिन ये पहाड़ जितने खूबसूरत हैं उतने खतरनाक भी हैं। आपने जैसे पिछले वीडियो में देखा होगा जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सुनाई दे रही हैं, तो थोड़ा सा रुक के ट्रेवल कीजिए पहाड़ों में। बाकी ठीक सामने तार पे बैठी है घुगुती, इसको घुगुती बोलते हैं हमारे यहाँ। और घुगुती पक्षी को लेकर हमारे पहाड़ों में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, माँ सुनाई करती थी पहले बचपन में हमको। देखिए जी यहाँ घर के पास में ही खूब सारी हरी घास है, आजकल माँ लगी है यहाँ से घास वगैरह निकालने पे। यहीं पे सफाई भी हो जाएगी, थोड़ा सा सांप का डर भी कम हो जाएगा और गाय के लिए चारा पत्ती भी तैयार हो जाएगी। सुबह सुबह आज हमारे घर पे सेम मुखे नागराजा जी के धाम से कुछ पंडित लोग आए थे। वो गांव में जाते हैं ऐसे दान दक्षिणा के लिए। वो क्या बोल रहे थे? लड़के की शादी कब है? सारे जितने भी लोग घर पे आ रहे पूछ रहे कि लड़की की शादी कब है, शादी हुई या नहीं हुई। हनुमान ने भी सारी घास निकाल के ऐसे टिन के नीचे ढका के रख दी है जिससे बारिश से भीगे ना। और ऐसी गीली घास को लाने में ना बहुत दिक्कतें होती हैं भाई, लेकिन गांव की महिलाएं फिर भी लगी रहती हैं। तो चले जी दिन के 2 बजने वाले हैं, यहां पे लंच बनके भी तैयार हो चुका है। बाहर बारिश लगी जा रही है और जिनकी बंदर भगाने की ड्यूटी है वो लोग लगातार खेतों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कुछ यहाँ पे हैं, कुछ ठीक सामने पे हैं। और आजकल गाँव में चारों ओर ना भजन कीर्तन हो रहे हैं, तो गांव की महिलाएं इन कामों में खूब आगे रहती हैं। बाकी आज तो ज्यादा कुछ काम नहीं हुए, बस दिन भर बारिश ही लगती रही और हम भी घर पे बैठे रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यह है अगला दिन। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और चारों ओर देखिए पूरा कोहरा लगा हुआ है, रात भर से बारिश लगती जा रही है। और खबरें आ रही हैं कि भयंकर पानी बढ़ गया है नीचे नदी साइड में, बहुत जगहों पे लैंडस्लाइड हो रही है। और मध्वेश्वर धाम की तरफ वंतोली संगम पे जो पुल है वो भी टूट चुका है, इतना भयंकर पानी आ गया है नदियों में। तो बहुत मुश्किल है भाई आजकल पहाड़ों में सफर करना। मेरी तैयारी तो थी कल ट्रिप पे जाने की, लेकिन हो सकता है नहीं जा सकता हूँ, अभी फिक्स कुछ भी नहीं है। तो सोमवार है तो एक बार शिवालय में चलते हैं थोड़ी देर में जल चढ़ाने के लिए। और माँ अभी बिल्कुल रेडी है शिवालय में जल चढ़ाने के लिए। मैं तो जाऊंगा गांव के शिवालय में, माँ जाएगी पुराने वाले घर के पास वाले शिवालय में। ये देखिए कितना सुंदर सा माहौल और का है, कोहरे के बीच से हम आगे को बढ़ रहे हैं। ये माहौल दिखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही खतरनाक भी होता है। जहाँ लैंडस्लाइड होते ना वहाँ के लोग ही जानते हैं कि क्या माहौल रहता है आजकल। तो एक बार चलते हैं धूप अगरबत्ती लेने के लिए, क्योंकि रास्ते पे जो दुकान है वो अभी खुली नहीं है, दूसरी दुकान पे चलते हैं। यहाँ पे है दुकान और यहाँ पे है अंकल लोगों का घर, यहाँ से घंटी बजा दी है, वहाँ घंटी बज गई होगी। गांव में छोटी मोटी दुकानें होने का बहुत फायदा रहता है, नहीं तो सीधे नीचे मार्केट को जाना पड़ता छोटे मोटे सामान के लिए भी। अब ये भी सही है, इन लोगों का रोजगार भी चल जाता है, लोगों को सामान भी मिल जाता है। बाकी आजकल रास्तों में बहुत ज्यादा फिसलन हो रखी है बारिश की वजह से, तो हर जगह पे बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है। धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और नदी में देखिए खूब सारा पानी आया है, क्योंकि आजकल बारिश बहुत ज्यादा लग रही है पहाड़ों में।
शिवालय में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आज आए हुए हैं। पिछले एक दो दिनों से लगातार बारिश लगे जा रही है, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब पता नहीं क्या होगा, ऐसे में लैंडस्लाइड का डर बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया लगता है जब कोई भी मिलता है और कहते हैं कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। बाकी मेरी वीडियो हर उम्र के लोग देखते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोग। और एक चीज देखी मैंने, गांव की महिलाएं ऐसे मौसम में भी लगी हुई हैं अपने खेती बाड़ी के कामों में, गाय बैल को चारा पत्ती ले आने के कामों में। मतलब उनका काम सबसे मुश्किल है, मौसम कैसा भी रहे। थोड़ा सा बारिश बंद हो जाए और ये कोहरा छट जाए ना, उसके बाद हम देखेंगे कि नीचे मधुगंगा नदी में कितना पानी आया है। मैंने कुछ सोशल मीडिया पे फोटोज देखी हैं, बहुत भयंकर पानी आया हुआ है, मटमैला सा। केदारनाथ साइड भी बहुत जगहों पे लैंडस्लाइड हो रहा है, सड़कें टूट रही हैं, मतलब बहुत बुरे हाल हैं पहाड़ों के। नीचे मधुगंगा नदी में बहुत मटमैला पानी आ रहा है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ वगैरह आई हैं बह के। मतलब कि ऊपर मधमेश्वर साइड बहुत भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है कहीं, और नदी के रास्ते में जो चीज़ें आ रही हैं सब टूट के आगे को बढ़ रही हैं। तो बहुत डरावना माहौल है भाई। ये माहौल देख के ना 2012 और 2013 की यादें आ गई, जब 2012 में मंगोली टूटा था और 2013 में केदारनाथ धाम की आपदा आई थी। तो अभी मेरी तैयारी हो चुकी है, गांव में एक इवेंट है थोड़ा सा वो अटेंड करने की, देखते हैं वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं। और आगे बढ़ते हुए अभी हम फिर से आए हैं नदी की तरफ, शिवालय की तरफ। यहाँ पे आज एक इवेंट है, मेरा माटी मेरा देश करके, सभी गाँव की महिलाएं इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। भारत माता की। तो अभी यहाँ पे शपथ ली जा रही है सभी गांव वालों के द्वारा, जय। ध्वजारोहण भी हो गया, राष्ट्रगान भी हो गया और प्रतिज्ञा भी सभी ने ले ली है यहाँ पे। चलो जी, सभी ने इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया यहाँ पे। अच्छी बात है कि गांव की महिलाएं इन कामों में बहुत आगे हैं। अब आप लोगों का एक सवाल जरूर आएगा कि गांव के जेंट्स कहाँ हैं, तो जितने जेंट्स अभी घर पे थे वो सभी आए हुए थे। कोई लोग अपने काम से बाहर हैं, कोई नौकरी पे हैं। सिरे जी, पापा जी ने लंच बना के भी तैयार कर दिया है। बाकी मौसम लगातार गड़बड़ हो जा रहा है, थोड़ा सा बारिश बंद हो जाए तो उसके बाद हम निकल पड़ेंगे नदी का हाल देखने के लिए कि कितना भयंकर पानी आ रहा है, कितनी टूट फूट हुई है। बाकी अभी पहाड़ों में ट्रेवल करने के लिए बिल्कुल मत आइए, थोड़ा सा रुकिए। मेरा भी प्लान था कहीं जाने का, शायद नहीं जा पाऊंगा, देखते हैं क्या होता है।